नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में मजदूर महिला के साथ छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। उमरिया जिला मुख्यालय के 3 किलोमीटर दूर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घंगरी में मजदूर महिला के साथ आरोपी द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। ग्राम घंगरी में ठेकेदार द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जहां मजदूरी का काम कर रही गरीब महिला के साथ वहां पर मुंशी के पद पर कार्यरत आरोपी ब्रजलाल यादव ने महिला को कमरे में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला द्वारा उमरिया कोतवाली में दर्ज कराई गई है। वही इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा सिंह के निर्देशन में और एसटीपीओ एवं कोतवाली टीआई के मार्गदर्शन में पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी युवक के विरुद्ध छेड़खानी का मामला दर्ज करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी युवक ब्रजलाल यादव को मौके से गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मैं दुकान से आया तो मैं लड़की को यहाँ भेटा और हमारे सर है तो अंदर था, चल रहा करने लगी थी टंकी में गरम घंगरी में, तो उससे छेड़छानी करने लगा रात में। इसके बाद ब्रजलाल यादव इटावर का रहने वाला है, और इसके बाद में आई घर रोते हुए आई, अपने आदमी से बताई, अब मैं उसका जेठ जी हूँ, मेरे भी से बताई, इसके बाद वो भी नहीं मारी तो मारे भी 2-3 जहाँ पर कहूँ जाके पूरी कहानी बताई। यहाँ थाना पास गए, एक बात आए तो यहाँ पुलिस भी आई, एक बाद में दरवाजा नहीं खोल रहा था वो, एक बाद बढ़िया था दरवाजा खुला, एक बाद वो उसको ले गए यहाँ से। ब्रजलाल यादव कोई एक मुंशी है, कहीं ठेकेदार करने में काम करता है, उसके अंडर में ये बहुत सारे रेजा काम करती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले इन सब चीज़ों का, जैसे आज FIR दर्ज हुआ है, इस पर ये जाँच हो कि आज जो कानून है, कानून का फायदा लोग बाग लेने के लिए भी रिपोर्ट लिखाते हैं, और कभी कभी गलत तरीके से महिलाओं के साथ गलत हो भी जाता है। तो अगर FIR जब दर्ज हुआ है, भी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, अगर न्यायालय में प्रकरण चलेगा, दोषी व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, देखो अहम चीज ये है कि असुरक्षित हैं महिलाएं। महिलाओं के लिए कानून बहुत बना, सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम योजनाएं आईं, लेकिन आज भी इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को विशेष रूप से इस पर गहन चिंता करना चाहिए और इनकी सुरक्षा हेतु और कुछ नए नियम बनाने चाहिए। ये ग्राम घगरी में टंकी निर्माण का कार्य चल रहा है, तो वहीं पर महिला मजदूरी के लिए गई थी, तो वहाँ के मुंशी ब्रजलाल यादव ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, जिस पर थाना कोतवाली उमरिया में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।